उसकी टीचर ज्यादा से ज्यादा बोलेगी शॉन सिट डाउन शॉन सिट डाउन। अब तुम वहाँ इंडिया की टीचर भेज दो, वो तो क्या। अब वो टीचर पहले क्लास में आती है, फिर बोलेगी शॉन इधर आ, अजा अजा चश्मा उतार ले, फाट फाट। वो बच्चा शॉन से शॉन कुमार बन जाएगा। वो उसके घर की टेबल के ऊपर भी नहीं चढ़ पाएगा क्योंकि हमारे इंडियन टीचर्स के थप्पड़ में ना बहुत पावर होता है। एक बार मेरे बायो के टीचर ने एक बच्चे को थप्पड़ क्या मारा, उसके मैथ्स के मार्क्स बढ़ना शुरू हो गए। उसके कितने स्ट्रिक्ट होते हैं ना हमारे टीचर्स। एक बार अगर हम कोई होमवर्क नहीं करते हैं तो हमारी टीचर ये नहीं पूछती है कि होमवर्क क्यों नहीं किए, पहले एक सीन बनाती है, फिर हमें और फिर हमारे पेरेंट्स को कॉल करती है, फिर हमें कमेंट देके छोड़ती है कि खाना खाना तो नहीं भूलते, फिर होमवर्क करना क्यों भूल गए। फिर मैं एक दिन सर का होमवर्क नहीं करके आया था, तो सर ने मुझे पूछा कि होमवर्क कहाँ है, तो मैंने बोला सर टाइम नहीं था तो मैंने होमवर्क नहीं किया। फिर सर बोलेगी सांस लेना तो नहीं भूलते, फिर होमवर्क करना कैसे भूल गए। तो मुझे गुस्सा आया और मैंने सर के ऊपर फेंक दिया, सर मुझे आस्थमा है। फिर एक हमारे स्कूल में एक हिंदी के टीचर थे जो हमें इंसिस्ट करते थे कि हमें इंग्लिश में बात करना चाहिए, लेकिन हमारी एक प्रॉब्लम थी, हम इंग्लिश ही भूल गए थे। फिर एक दिन हम क्लास में मस्ती कर रहे थे और हमारे सर आ गए। सर पूछे व्हाई हैज यू लाफ्ड, फिर मैंने कहा सर आई हैज नॉट लाफ्ड। एक दिन सर तो इतना लेजिट कंफ्यूज हो गए कि उन्हें पता नहीं चला कि वो क्या बोल रहे हैं, तो उन्होंने हमें एक्सक्यूज दे दिया, व्हाई हैज ही हैज हैड बीन टॉकिंग। तो मैंने बोला ठीक है सर, तो मैंने पेंसिल लेके सोचने लगा कि मैं भी कौन सा आंसर टिक करूं। ओहो एमसीक्यू सही है, ऐसे तो हम जेई क्रैक करेंगे। तो मैं जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, हमारे इंडिया में ना सारे स्कूल्स में ऐसे टीचर होते ही हैं जो हमारे क्लास को फिश मार्केट के साथ कंपेयर करते हैं। थैंक यू।